हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। तो यहां पर पाइथन की आईडीई को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं नया क्या है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो नया ये है कि आज के इस वीडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम है। आप देखिए, इस तरह के कई प्रोग्राम हो सकते हैं आपके सामने। एक टपल बनाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने TP1 इज इक्वल टू, अब ये टपल बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा जो ये इस बात का प्रतीक होगा कि ये टपल ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब टपल तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ऐसे में इसका यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम TP3 नाम से, और यहाँ पे लिखा TP3 इज इक्वल टू TP1 × 2। तो अभी ऐसी स्थिति में, चूंकि ये यहाँ पर अगर हम प्रिंट करा देते हैं, किसको प्रिंट कराते हैं, TP3 को अगर प्रिंट कराते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे TP3 को प्रिंट करा रहा हूं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये आपको प्रेडिक्ट करके बताना है। तो देखिए, यहाँ पे TP1 में 2, 4 और 3 स्टोर है। ठीक है, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2 का 4 और 4 का जो है 8 बन जाएगा और इसका 9 बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या 6 बन जाएगा। तो होगा क्या, तो ये रेपिटेशन होगा, यानी कि ये दो बार आएगा, यानी कि 2 दो बार आएगा, 4 दो बार आएगा, 3 दो बार आएगा, ऐसा ही होगा। तो एक बार चला के देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो देख सकते हैं सेम रिजल्ट है, 2 दो बार आ रहा है, 4 दो बार आ रहा है और 3 दो बार आ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप इसी तरह का आउटपुट जो है बता दीजिएगा कि ये इस तरीके से जो है इसमें डबल बार जो है चीजें आएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है TP1। ठीक है, अब TP1 लिख दिया इज इक्वल टू, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे 15 है, फिर कॉमा देता हूं फॉर 11, फिर यहाँ 17, इस तरह से कुछ वैल्यूज दी गई है 17, फिर कॉमा दे करके यहाँ पे 16 और 12, इस तरीके से कुछ वैल्यूज है। ठीक है, अब इन वैल्यूज में जो है यहाँ पर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हमें फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टीपी लिखूंगा, TP1 dot pop। ठीक है, अब यहाँ पे पॉप का यूज किया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि टपल में पॉप अलाउ ही नहीं है, चेंजेस हो ही नहीं पाएंगे, पॉप का यूज करके हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे टपल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 रख दिया, और यानी कि हम चाहते हैं कि 12 को पॉप करवा दिया जाए, लेकिन ये पॉप तो अलाउड है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे किसको, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे TP1 को। तो अगर TP1 को प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधे तौर पर यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, सीधे तौर पर यहाँ पर एरर आएगा, रन करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट एरर आएगा, क्योंकि टपल जो है पॉप परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये एट्रीब्यूट एरर देगा।